स्वागत है स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय सैन्य दल पर आसान शब्दों में निबंध। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल दुनिया के राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होर मची हुई है, शांति खतरे में है, भारतवर्ष का कुछ पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध नहीं है, हम लोगों की आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार में है, इसकी रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा की यह मांग है कि देश के सभी नौजवानों को सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उन सभी की सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसी अभिप्राय से 1948 ईस्वी में एनसीसी एक्ट पास किया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा देना है। उसी समय से स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जाती है। एनसीसी के दो विभाग हैं, सीनियर और जूनियर। सीनियर डिवीजन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तथा जूनियर डिवीजन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। जो लड़के एनसीसी में भर्ती होते हैं वे कैडेट कहलाते हैं। सीनियर डिवीजन के कैडेटों को ड्रिल, शस्त्र संचालन, नक्शा पाठ, व्यूह रचना, प्राथमिक चिकित्सा और नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाता है। जूनियर डिवीजन के कैडेट को ड्रिल, प्रारंभिक नक्शा पाठ, प्रारंभिक व्यूह रचना, प्राथमिक चिकित्सा तथा नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाता है। सेना की तरह एनसीसी की भी तीन शाखाएं हैं, स्थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना। वायुसेना और नौसेना की शाखाओं में भर्ती होने वाले कैडेटों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीसी में भर्ती होने वालों की डॉक्टरी परीक्षा की जाती है। उन्हें शारीरिक दृष्टि से सबल और योग्य होना चाहिए। कैडेट विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं और नियमित रूप से परेड करते हैं। वर्दी की आपूर्ति मुफ्त की जाती है। परेड के बाद उन्हें जलपान भी मिलता है। उन्हें वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लेना पड़ता है। कभी कभी वे समाज सेवा शिविर में भाग लेते हैं। एनसीसी से बहुत लाभ है। यह देश के नवयुवकों को अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और शरीर के योग्य बनाता है। वे आदेश का पालन करना एवं आदेश देना सीखते हैं। वे चुस्त और चालाक बनते हैं। इस तरह वे राष्ट्र को ठोस एवं मजबूत नींव पर खड़ा करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा देश की स्वतंत्रता की रक्षा में बड़े ही सहायक हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाएं का उपयोग किया जा सकता है। एनसीसी बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। यह समय की मांग है। इसी कारण सरकार ने कॉलेजों में एनसीसी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। प्रत्येक विद्यार्थी को एनसीसी में भर्ती होना चाहिए। ऐसा करने से वह देश और समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। ये थे राष्ट्रीय सैन्य दल एनसीसी पर आसान शब्दों में निबंध। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।